गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के वड़े। मैंने यहाँ देखो आधा किलो कटहल ले ली, उसको अच्छे से छील के कटहल को बारीक बारीक काट के इसे मैंने अच्छे से धो ली हूँ। अब हम कटहल को उबाल लेंगे। एक कटहल को मैंने गंज में डाल दी हूँ उबालने के लिए। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे और आधा गिलास पानी डाल के इसे हम उबालने के लिए 10 मिनट के लिए इसे हम चढ़ा देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा हल्का सा ही आधा कच्चा आधा पक्का रखना है। अब कटहल को हमने गैस पर चढ़ा दिया। अब ढक्कन ढक के इसे हम 10 मिनट तक गैस पर रहने देंगे। 10 मिनट बाद देखिए हम इसे खोल के देखते हैं, अब हमारा कटहल गल चुका है। कटहल को हमने ज़्यादा नहीं गलाया है। अब कटहल को हम पीस लेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा चिकनाई से हम पीसेंगे। ये देखो चॉपर है, चॉपर में इसे हम पीसेंगे। अभी हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है कटहल को। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके का रेशे रेशे। देखिए गाइस, ये चने की दाल हमने 2-3 घंटे तक इसे भिगा के रख दिया था। अब आधी दाल निकाल के रख देंगे और आधी दाल हम इसे पीस लेंगे। अब इसमें हम 2-3 हरी मिर्ची डाल के इसे हम दाल को पीसेंगे। इसका देखो एक अच्छा सा हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम ये दाल को और जो हमने कटहल पीस के रखा था उसको दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और इसको हम हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर चुका है। अब हमने देखो ये बड़े बना के इसमें हम जो चने की दाल बचा के रखी थी उसको हम ऊपर से चिपका देंगे। ऐसा करने से बड़े बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगते हैं खाने में। आप लोग भी मेरी तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करना। ऐसा करके हम सभी बड़ों को तेल में डाल देंगे और गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, बड़े फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बड़ों में ऊपर से चने की दाल लगा के फ्राई करो तो बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं और क्रंची क्रंची लगते हैं। गाइस, आप भी लोग भी इसे जरूर ट्राई करना मेरे तरीके से, बड़ों को, कटहल के बड़ों को। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फिर मिलते हैं गाइस अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।